तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका गॉड ऑफ वॉर 4 के एक और नए ताज़ा गेम प्ले वीडियो में। तो यार लास्ट मैच में जहाँ पे हमने छोड़ा था वहाँ पे था हम अभी इवेंट मतलब मिशन कर रहे थे यार। तो मिशन में क्या था, वो स्वाड पे जहाँ मिशन आते हैं वहाँ पे करना होता है। तो अपन वापस से इसी लोकेशन पे हैं और थोड़ा सा आगे जा देते हैं यार, क्योंकि हम थोड़ा सा इधर उधर भटक रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे। तो जो मिशन हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड कर लिया था, अभी ट्रायल फोर्थ लेना है एंड देखते हैं इसमें कौन सा मिशन आता है एंड क्या करना है। लास्ट वाला यार ना बहुत हार्ड था, क्योंकि वहाँ पे ना अपनी जो है हेल्थ है वो इतनी जल्दी रीजनरेट कर रहे थे वो लोग, इतनी जल्दी भाई कर रहे थे कि लास्ट वाला मिशन ना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था मेरे लिए। उसमें बहुत टाइम लग गया था कंप्लीट करने में। तो ये इसके बाद होगा, देखते हैं फिर क्या आता है। पहले तो अपन छोटी छोटी पहाड़ियों पे जंप करते हुए लोकेशन पे जाते हैं ताकि हम मिशन को मतलब खेल पाएँ। बाकी यार ये लोकेशन ना मतलब सही में मेरे को बहुत गजब लगती है यार, बढ़िया लगती है एकदम मस्त। यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत चीज़ें यार इस वाला मैप में मतलब बढ़िया है। वैसे देखा जाए तो मेरे हिसाब से पूरा वालकन वाले सब मतलब खतरनाक सा एकदम, है ना। तो सोनी वालों ने बहुत ही तगड़ा यार गेम बनाया है गॉड ऑफ वॉर 4, और इसके बाद मैं खेलूँगा गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक। तो देखते हैं जैसे ही वो पीसी के लिए अवेलेबल होता है मैं उसे परचेस करूंगा। तो यार यहाँ पे है ये स्वॉर्ड, यहाँ पे अपने को मिलेंगे मिशंस। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, यहाँ पे मिशन का नाम तो नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा ट्रायल 3 नॉर्मल। ओके तो ये नॉर्मल किल ग्रंट्स इनटू ब्रेक अन इलाइट स्क्विड साहब, देखते हैं क्या करना है। मेरे को लगता है ऐसे शील्ड वाले जो हैं ये इलाइट वाले इनको पेलना है। तो और ये थोड़े मुश्किल होते हैं मारने में, एक्टिव अलाइस रिमेनिंग वन, मेरे को लगता है एक को ही मारना है शायद से, नहीं दो हैं। ओके वो अंधेरा अंधेरा हो गया भाई पूरा, ये दो को इकट्ठे मारना पड़ेगा शायद से। ओ भाई ये तो तीन आ गए, गजब, एक इधर है दो उधर है, और ये भाई मर जा यार, कितना टाइम लगेगा। ओके अरे यार ओ भाई साहब ब्रेकर, और ये जो जब ये मारते ना रेड वाला अटैक तो बहुत खतरनाक होता है ये। तो यार ये वाली एबिलिटी ना बहुत बढ़िया है मेरे लिए, बहुत फ़ायदेमंद है यार, मज़ा ही मज़ा हो जाता है कुल मिलाकर। एक तो ये परेशानी बहुत इकट्ठी करते हैं ये लोग मेरे लिए, इतनी समस्या। ओ भाई साहब ये ना ये जो मतलब ये जो फेंकते हैं अपना थ्रोएबल आइटम, इससे ना पूरा स्क्रीन पे अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है यार, तब जाके मतलब कुछ दिखाई नहीं देता कि कहाँ पे मारना है ना कहाँ पे बंदा है। तीन तीन लौंडे हैं, एक इधर दो उधर, इन लोग को मारने में इतनी समस्या। अरे एबिलिटी है मेरे पास एक एशेंट वाली, वर्थ ऑफ द एशेंट ये वाली है। अभी मैं एक लाइन से तीन है और मैं शायद से एक आधे को लपेट पाऊँ, ये मरेगा मेरे हाथ में मैं बता रहा हूँ भाई। इसकी प्रोबेबिलिटी असर नहीं कर रही है कसम से, इसकी हेल्थ ज़्यादा जा ही नहीं रही है, तो बड़ी समस्या है यार। बच्चे से मैं तीर मारवा रहा हूँ लेकिन बच्चे के तीर से कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है, मर जा। अरे यार एक तो मरे, चल एबिलिटी है एक दो तीन चार, ओ एक हो गया दूसरा, आ जा नज़दीक आ जा नज़दीक। अरे यार चलो एक तो गया फिलहाल, ये अभी दो हैं और एक और जाएगा ये। बूम, क्या बात है यार, ये वाली एबिलिटी मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आई ब्लेड ऑफ चार्ज की सबसे ज़्यादा, क्योंकि भाई वो वन शॉट किल करती है थंब से, एकदम बगल में खींच के लाती है एंड भाई फिर एक हैवी अटैक बूम भाम भाई फिनिश। तो बढ़िया है वो, मतलब वो चीज़ अच्छी लगी मेरे को बहुत सही। तो ये वाला मिशन तो नॉर्मल है, जैसे कि पहले ही बता रहे थे कि नॉर्मल है, तो ये वाला मिशन वैसे तो अच्छा है बट नॉर्मल है तो अपन आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। हेल्थ, अरे तू कहाँ है रे देवा, हेल्थ वेल्थ भाई थोड़ी सी अपनी भी है, रिस्क जैसे मेरे को हेल्थ उठानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये दो लोगों ने इकट्ठे रश कर दिया मेरे ऊपर तो फिर मेरा लग जाएगा। और पीछे एक हेल्थ पड़ी भी है, मैं देखता हूँ ट्राई करता हूँ उठाने का, बट पहले इन लोग से बचना ज़रूरी। अरे भाई साहब मेरे को लगता है ना जब ये ऐसा फेंकते हैं ना ये थ्रोएबल अपना ये जो एनर्जी, इसको ना मेरे को देख के ना पीछे होना चाहिए ताकि ये भाई ये मेरे पर पड़े ना, आगे जाता हूँ तो हमेशा पड़ जाती है, इसलिए अभी मैं सोच रहा हूँ कि पीछे। और मेरी हेल्थ भाई, चलो अभी सही था पीछे आया ना, ये सही था एबिलिटी आई है ब्लेड ऑफ जॉस की, बूम 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 बूम, ये कहाँ भग गया, चलो बेटा शाबाश। तो ये लोग ना मतलब इतनी ज़्यादा हेल्थ लेके आए हैं, तीन तीन चार चार उसमें है पार्टीशन में हेल्थ है इन लोग की, वो भाई साहब इतनी खतरनाक खतरनाक हेल्थ है। तो अपन भी एक आधी हेल्थ ले लेते यार, ओ भाई एक हेल्थ लेनी भी थी तब भी थोड़ी कम हो गई, चलो एक और ले लिया बूम। अभी ये वाली भी उठा लेते हैं, अभी बहुत हेल्थ है 80% हेल्थ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है एबिलिटी। एंड ये मरेगा मेरे हाथ से मैं बता, अरे रुक जा रहे भाई, एक तो इसका, चलो इसको ही फिनिश करो, एक तो गया चलो कोई तो मरा, मिस्ट वाली, ओ भाई साहब गुजा अंदर गुजा गुजा, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, भाई अरे यार अंधेरा ही पूरा हो गया। एबिलिटी है अपने पास, थोड़ा सा क्लोज जाएंगे एंड बूम, और भी उड़ गया भाई, ये सही है बहन, ये सही है ये सही है ये सही है ये सही है भाई,
इतने ज़्यादा समझदार हैं भाई, इन लोग का ब्रेन पावर बहुत बढ़िया है यार भाई। मतलब कुछ भी एबिलिटी मारो ये सब मिस कर लेते हैं, बच जाते हैं, डोज कर लेते हैं भाई, बहुत बढ़िया। ये कंपटीटिव लेवल भाई बैटल है, कंपटीटिव लेवल है, मज़ा आएगी। मर जा यार कोई तो। अरे यार देख रहे हो, मतलब एक जो मतलब जो हार्ड वाला पड़ता है कॉम्बो में लास्ट में, वो वाला एकदम जो पावरफुल डैमेज देता है वो पड़ने ही नहीं देते ये लोग। गिफ्ट ऑफ डिफेंस बहुत बढ़िया, हेल्थ थोड़ी सी है, ये तो मरेगा, अभी मरेगा ये, बहुत बार मरा, मर गया, भग गया सामने के साथ। अरे यार ओके अभी मरेगा, इसका खेल ख़त्म करता हूँ। अरे भाई ये गायब हो जाते हैं भाई साहब तुरंत। हेल्थ देख रहे मेरी कितनी है, हेल्थ एकदम कुच्ची भर हेल्थ है, और हेल्थ अभी किधर पड़ी भी नहीं है। क्या करूँ, भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा मेरे को फिलहाल, तो मैं एरोज मार रहा हूँ बच्चे के एंड एबिलिटी भरने का वेट कर रहा हूँ। चलो अभी एक स्लैश मारता हूँ ताकि ये फटे, वो हेल्थ एक मिली, ये बात। लेकिन मैं अगर रुकूँगा तो ये मारेगा मेरे को, रुकना नहीं है अपने को, डोज करना है एंड भागते रहना है इधर उधर। सबसे पहले हेल्थ लेने और उसके बाद इस एबिलिटी आई ना, बस एबिलिटी से सूतेंगे इसको अपन, एबिलिटी से सूतेंगे। ये अब भाग के दिखे, और यार इतना तेज है ये भाई बंदा, इतना तेज, अब मरेगा ये कन्फर्म है। अभी भी नहीं मरा, पूरा कॉम्बो मार दिया मैंने, नहीं मरा, गजब। एक दो तीन चार पाँच एक्टिव अलाइव स्किल्स भाई, चार अभी रिमेनिंग है भैया, चार भाई बहुत है, बहुत ज़्यादा लौंडे हैं ये जिंदा नहीं छोड़ेंगे मेरे को, बता रहा हूँ। एचपी मेरे को रिकवर करने में दिक्कत हो जाती है, एक तो बड़ी समस्या है इन लोग के बीच में। एक तो ये फर्स्ट वाले डैमेज से मर ही नहीं रहे भाई, हेल्थ नहीं जाती इनकी बिल्कुल भी, कसम से मैं कह रहा हूँ। ओके तो ये फायर वाले से मरते हैं मेरे हिसाब से। एक तो ये एबिलिटी डोज बहुत जल्दी कर देते हैं भाई, पंख लगे उड़ जाते हैं फटाक से, हेलीकॉप्टर बन के। चलो फिनिश। ये जो लाइट रूनिक अटैक है ब्लेड ऑफ चाओस का, इसका डैमेज बहुत कम है, इसको जो मेरे को चेंज करना है, इसकी जगह वाला मैं कुछ और लगाऊंगा। फिलहाल तो ये हैवी वाला है, ये मस्त है एबिलिटी, भरगा भरचा यार एबिलिटी कितनी। अरे अंधेरा भाई यार, भक्तिमान देखने जा रहा हूँ मैं अगर मर गया इसके बाद तो। ये ना ये, अरे ये वाला मिशन भी थोड़ा सा मुश्किल है, बस चलो फिनिश। एक और, चलो फिनिश, तीन बचे हैं अभी भी, एक और आ जाएगा जब तक दो सामने खड़े हुए भाई, बहुत समस्या। चलो हेल्थ लो, हेल्थ लेते रहना है भाई, सबसे पहले यही करना है आपको। 30 मार खान नहीं बनना है अक्षय कुमार की तरह कि भाई हेल्थ ना लूँ मैं। अरे ये खोपड़ी फूटेगा बम मेरे। ओके ये ब्लॉक भी कर सकते हैं अपन इसको वैसे आसानी से, आ जा। एक को तो ले डूबूंगा मैं शायद से, दिख जा बस सामने। हाँ हाँ अरे स्टन, चलो फिनिश। स्टन होने के बाद फिर नहीं छोड़ता मैं किसी को भी, अभी यही भाला इसके भोंक दें, बहुत बढ़िया धक जा। ठीक है तीन है, एबिलिटी किधर गई मेरी एबिलिटी दूसरी वाली भाई, हैवी रूनिक अटैक किधर गया। ओके बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश। अरे यार मर जा, बड़ी समस्या है यार। एक तो ये बहुत मारते हैं ये लोग, कुत्ता भरे दे रहे मेरा हेल्थ में 40-50% लेके जाता हूँ, फिर से ये लोग 10% पे ले आते हैं, गजब। और एक तो मर नहीं रहे इतनी जल्दी, मरते हैं जब तक फिर से स्पॉन हो जाते हैं। बस फिनिश हो गए मेरे हिसाब से सारे, एक है भी, एक ये कुंडू बचा हुआ है, एबिलिटी मारूंगा ये फिनिश हो जाए। अरे भाई गया। ट्रायल कंप्लीट, कलेक्ट योर रिवॉर्ड, बहुत बढ़िया। काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा लेकिन फाइनली मेरे को रिवॉर्ड मिल गया है, मद्दा वाला। देखते क्या मिलता है इस क्रेट के ऊपर। भाई सोने की क्रेट है, पूरी चेस्ट बिल्कुल सोने की है, 24 कैरेट प्योर गोल्ड, बहुत बढ़िया। सोल्डिंग एम्बक 12, हेक्स सिल्वर 1800, चेस्ट ऑफ फ्लेम, भाई साहब ये चाहिए थे मेरे को, चेस्ट ऑफ फ्लेम चाहिए थे, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अपन 4 करीब कर चुके हैं मिशन, अभी जो है अपने को इसके पहले तो यार देख लेते हैं रिसोर्सेज में अपने पास क्या क्या है। चेस्ट ऑफ फ्लेम किधर गई, मैप अपना, हाँ इतना ही है। इसको अपग्रेड करने लायक कुछ है क्या, नहीं यही ठीक है, वेलकरी वाला ही ठीक है। तो चलो एक और मिशन लेते हैं एंड देखते हैं इस बार क्या मिशन आता है भाई। तो एक्सेप्ट, बूम, हार्ड है ट्रायल 3 हार्ड, किल एनिमीज वाइल दे आर इनसाइड द गोल्ड रिंग। ओके तो रिंग यानी कि कोई, ये रहा रिंग, तो मेरे को एनिमीज कितने मारने, 2 मिनट में 5 मार रहे हैं, मार लेंगे आराम से मेरे हिसाब से। और जब इस रिंग के अंदर आएंगे तो आ जा अंदर, आ गया एक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एक तो निपट लिया। अभी मेरे पास 2 मिनट हैं, बहुत टाइम है यार, 1 मिनट एंड 40 सेकेंड्स अभी भी हैं।
चल इन लोग को 50-50 हेल्थ पे, मतलब 50% पे हेल्थ पे रखता हूँ, जैसे ही अंदर घुसेंगे एक पावरफुल अटैक मारूंगा एंड फिनिश भाई, मेरी हेल्प हो जाएगी, जल्दी काम हो जाएगा, समझ रहे। अंदर ही नहीं आ रहे हैं भाई, क्या पता नहीं डर गए मुझसे ये लोग, अभी आएंगे। थोड़ा सा अंदर ही पीछे आ जाता हूँ शायद से ये किसी को, हाँ ये दिखा इसको अंधा कानून सुसरी के, चल निकल अब मरेगा ये, कन्फर्म डेथ। दो हुए, आजा अंदर, आजा अंदर, आजा अंदर। पहली बार मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास आओ, वरना मैं कहता हूँ भग जाओ ही। सही है, ओके एक्सेबिलिटी है अपने पास, लेकिन ठीक है। ये ना ब्लेड ऑफ क्योस भाई ज़्यादा अच्छी लगती है जब ज़्यादा बता, अरे स्टे फोकस, पाँच हो गए भाई स्टे फोकस। तो यहाँ पे मैंने पाँच मार लिए हैं और शायद रिंग की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी अब, और 3 मिनट में 5 मारने हैं रिंग में, ये बन गया है ओके। तो जैसे ही मैं एक 5 बंदे मारूंगा, मतलब 5 किल करूंगा, 5 को ख़त्म करूंगा, तो रिंग जो है अपनी जगह चेंज कर लेगी, अपने को दूसरी जगह पे स्पॉन होगी रिंग एंड वहाँ जाके 5 मारने हैं। और टाइमिंग भी थोड़ी बढ़ गई है, इसका मतलब ये है कि ओपोनेंट यानी कि जो किल करने वाले ये जो मॉन्स्टर आएंगे ये भी थोड़े पावरफुल आएंगे और अच्छे वाले आएंगे, क्योंकि भाई टाइमिंग बढ़ी है ना, इसका मतलब ये है कि भाई बंदे तगड़े वाले आने वाले हैं। तो क्योंकि पिछले बार 2 ही मिनट मिला था, इस बार 3 मिनट मिला है, तो समझ सकते हैं 1 2 3 चलो पता। ये भी आजा अंदर आजा, अरे यार बाहरी भग गया ये तो, अंदर आ मक्खी अंदर आ, अरे अगर एबिलिटी मारता हूँ ना ये लोग बाहर चले जाते हैं, देखो एबिलिटी ना इन लोग को पीछे फेंकती है ये वाले, तो मेरे को क्या करना है, इन लोग की हेल्थ ना 50-40% पे करनी है इस वाली एबिलिटी से, वर्स्ट ऑफ द एशियंट ऐसा ही कुछ नाम है इसका, बढ़िया है और डैमेज अच्छा है वैसे, पर सभी को पड़ती नहीं, पता नहीं क्या दिक्कत रहती है थोड़ी सी। चल निकल, अरे यार वो बाहर निकल गया सुसरी का, 2 ही हुए चलो, ये तो कंफर्म है कि अंदर ही आएगा। 3 और 5 हो गए पूरे, क्या बात है, 2 कट्ठे मार दिए मैंने, 1 बच्चे ने मार दिया, बहुत बढ़िया जो किल हुआ, रिंग के अंदर ही था भाई वो, गजब यार। तो ये हो गए 5, स्टे फोकस। अभी 4 मिनट का टाइम मिला भाई, हर बार 1 मिनट का टाइम बढ़ रहा है, और हर बार जितने भी मॉन्स्टर आ रहे हैं वो थोड़े ज़्यादा पावरफुल आ, ये मक्खी फिर आ गई, वो मक्खी भी पावरफुल होती है वैसे, पिछले वाले में मिशन में मेरे को इसने बड़े परेशान किया यार। चलो निकलो पहली फुर्सत में, 1 मारा मैंने 10 सेकंड में, बहुत बढ़िया। ऐसे तो मैं 1-2 मिनट में सारे मार, यही चाहिए मेरे को। अबे ये तो नीचे निकल लिया भाई, इसका तो किल भी नहीं आया मेरे को। अबे लोकेशन चेंज कर दी इन लोगों ने भाई, अच्छा मैं समझा, एक एक बंदा मारूंगा, जैसे एक एक एनिमी को मारूंगा तो ये एक एक बार रिंग चेंज करेगी, वाह। तभी मेरे को 4 मिनट दिया इन लोगों ने, हरामी लोग भाई। एक एक किल करूंगा और लोकेशन बार बार चेंज होगी, शायद से ऐसा ही, जैसे मैं अभी मैंने 1 मारा लोकेशन चेंज हो गई रिंग की, अभी मैं दूसरा मारूंगा फिर से लोकेशन चेंज हो जाएगी रिंग की। तो मेरे को ऐसा लग रहा है भाई ये गड़बड़ झाल है, मतलब बहुत बढ़िया, लेकिन भाई ये हार्ड करते जा रहे मिशन को। वो एक तो गया ये, लेकिन रिंग के बाहर था इसलिए वो अच्छा काउंट नहीं हुआ। रिंग के अंदर मारना है यार, किधर है, आजा बेटे अंदर को आजा, अरे यार चल निकल, हेल्थ कम कर देता हूँ ताकि अंदर आए और एक शॉट में मरे भाई। एक ही किल मैंने मारा है और दूसरा मारा तो वो मिला नहीं मेरे को, और किल जो है मतलब जो रिंग है वो गया, क्या बात है, लेकिन किल नहीं आया भाई, किल नहीं आया मेरे को, 1 ही दिखा रहा है भाई। एक एक बंदा मार रहा हूँ और वो चाहे अंदर मरे चाहे बाहर मरे, वो ना रिंग अपनी स्पेस मानी अपनी जो है जगह चेंज कर रहा है, मेरे को किल नहीं मिल रहे, ये बड़ी दिक्कत है यार। ऐसे तो मेरा काम लग जाएगा, ये वाला मारता हूँ, ये वाला ना बगली में स्टन कर लेता है, ज़्यादा दूर नहीं जाता है बंदा, अरे निकल गया रिंग के बाहर, क्या बात है अंदर ही था। तो 2 मिल गए अभी फाइनली, आजा, थोड़ा सा लास्ट चीटी इसको मारूंगा ताकि किल मिले, अरे चलो बहुत सही, थोड़े पे है मेरे, खैर छोड़ो थोड़े पे ही है भाई, अगली बार फिनिश करते हैं इसको। एबिलिटी है मेरे पास तो चिंता की कोई बात नहीं, गुंडू निकल, चल निकल, अरे यार किल होते ये लोग पता नहीं बाहर क्यों निकल, अच्छा थोड़ी सी एचपी है उस किले को दिख रहा है, मेरे को लग रहा है कि लौंडे परेशान कर लेंगे मेरे को भाई। 2 मिनट रहने वाले हैं लगभग मेरे पास और किल तो हो जाएंगे मेरे साथ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जिनकी एचपी मैंने 50% से कम रखी है, और वो टाइम पे अगर मेरे को किल मिल जाए ना, और यार फिर से सर्कल निकल गया, 2 ही किल मिला है यार, भी 3 करने हैं, और भाई 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम निकल चुका है, 1 मिनट 40 सेकंड लगभग मेरे पास रहते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ कि कॉम्बो में ये 2-3 एक साथ मरें ताकि मेरे को फ़ायदा हो, इससे मेरा क्या फ़ायदा, 3 हुए चलो,
चलो बेटा शाबाश, 1.5 मिनट का टाइम है, 2 बंदे मारने हैं और रिंग फिर से चेंज हो गई। अब इन लोग को वहाँ तक लेके जाने में बड़ा टाइम लग जाता है, मैं तो तुरंत पहुँच जाता हूँ। गिफ्ट ऑफ डिफेंस, ये पर्पल कलर की जो लाइट आती है ये बहुत फ़ायदेमंद होती है अपने लिए, डिफेंस मिलता है और थोड़ी सी हेल्थ जो है बस्ट हो जाती है, ये बढ़िया काम होता है। तो यार ये वाला जो वेलकरी का आर्मर है यही वाला लेना जो मैंने लिया है भाई, थोड़ी सी मेहनत लगती है इसको बनाने में लेकिन मस्त है, मतलब मस्ती मस्त है भाई। अरे वो बाहर निकल जाएगा अभी चमगादड़ का बच्चा। चलो बेटा शाबाश, एक लाइन तो उसके एक पैर तो लाइन पे ही था, ठीक है 4 हो गए हैं, 1 मिनट का टाइम है, 4 हो गए, 1 मारना है, आराम से मार लूँगा मेरे हिसाब से, बंदे ही मारूँगा मैं आराम से। एबिलिटी है मेरे पास, क्या दिक्कत है एबिलिटी। और ये रिंग बदल गई भाई, लास्ट किल में रिंग अपनी मूवमेंट तो ऐसे बदल ली जैसे जियो वाले स्पीड बदलते हैं अपने इंटरनेट की। आ जा क्लोज बेटे क्लोज आ जा, अभी मारता हूँ तेरे को, आ जा क्लोज, 2 लोग अंदर आ जाओ ताकि कोई ना कोई तो मरे। वो मरे यार, बाहर निकल गया शायद, चल बेटा निकल। अरे 1 की HP कम है, इसको ही कॉम्बो में लपेटता हूँ, आजा बेटे आजा। क्या यार ब्लेड ऑफ चेयर्स, ओ भाई सोब एबिलिटी यह, अरे यार हैवी अटैक वो नहीं। चलो रिंग गई रिंग फिर गई, किल नहीं हुआ रिंग, 16 सेकेंड। आजा क्लोज आजा, बहुत जल्दी क्लोज आजा, अरे आजा यार, 8 सेकेंड 9 सेकेंड 6 ये आएगा, उड़ता हूँ, अरे ये बगल वाला आ गया, आजा थोड़ा क्लोज आजा, बहुत बढ़िया, 1 2 अबे भाई 2 सेकेंड 1 सेकेंड, ओ लास्ट हिट पड़ गया, यह हुई ना बात, लास्ट हिट एकदम लास्ट सेकेंड पे पड़ गया भाई, ख़त्म। तो मिशन कंप्लीट, अगर ये थोड़ा सा लेट होता ना तो मेरे को सारे के सारे मतलब वेव दोबारा से कंप्लीट करनी पड़ती और इसमें बहुत टाइम वेस्ट जाता, करीब 10-15 मिनट। तो बढ़िया था, लास्ट हिट एकदम लास्ट सेकेंड पे पड़ गया और मैं स्मोल्डिंग एम्बक 20+ चेस्ट ऑफ फ्लेम 5, ये भी बढ़िया है, हैक सिल्वर तो बहुत ऐसे ही मिलते रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यार इस वाले पार्ट में बस इतना ही दिखाऊंगा, बाकी की चीज़ें आपको नेक्स्ट वाले एपिसोड यानी कि नेक्स्ट वाले पार्ट में दिखाऊंगा। फिलहाल आप लोग ये बताओ कि आप लोग को ये वाला जो मिशंस है गॉड ऑफ वॉर के ये वाले मैप में, ये जो मैं फिनिश कर रहा हूँ ये कैसे लग रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है यार तो प्लीज़ से लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आप लोग नए हो चैनल के ऊपर, एंड भाई साहब गॉड ऑफ वॉर की ऐसी ताज़ी वीडियो के लिए भाई साहब कमेंट में करके बताओ कि भाई अच्छा लग रहा है आपको, एंड आप लोग देखना चाहते हो और मैं अलग अलग तरीके अलग अलग बढ़िया वीडियो बनाऊं और अच्छे से मतलब बनाऊं, वॉइस ओवर भी बढ़िया से करूं, है ना। आप लोग कमेंट में करके बताओगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा तो भाई अपना फिर काम फिर अच्छा हो जाएगा, समझ रहे हो ना, मोटिवेशन तो चाहिए ही चाहिए ना भाई काम अच्छा करने के लिए। तो अपन ना पहुंच जाते हैं जब तक न्यू लोकेशन पे, ताकि जब नेक्स्ट वाला इवेंट मेरे को खेलना हो ना तो फटाफट से बस गेम स्टार्ट करो और पूरा का पूरा मतलब मिशन ही सामने आ जाए। तो यही वो जगह है और यहाँ पर ये तलवार रखी हुई है, तो यहीं पे अपने को जो है अगला वाला इवेंट पूरा करना है, अगला वाला मिशन जो है वो पूरा करना है। क्या होगा ये नॉर्मल है, डिफीट 100 एनिमीज, 100 एनिमीज मारने होंगे भाई, तो नेक्स्ट वाले में मारते हैं यार। तब तक के लिए लाइक करो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं को नए वीडियो में, बाय।